हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टेस्टी सी रेसिपी लेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली बनकर तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ली है 300 ग्राम चीनी, 150 ग्राम मिल्क पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच मैदा के, 2 से 3 चम्मच घी और 1 कटोरी भर के लगभग वजन से 300 ग्राम चीनी। सबसे पहले लेंगे हम एक बड़ा बर्तन, जिसके अंदर ऐड करेंगे चीनी जो हमने ली थी पहले, और सेम कटोरी से ही जिससे हमने चीनी ली थी उससे ही हमने मेजरमेंट करके पानी लेना है। 1 कटोरी चीनी ली है तो 1 कटोरी ही पानी लेंगे। गैस पर रख कर इसको पका लेंगे। थोड़े से 3 से 4 तार केसर के इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे इसका कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। 4 से 5 यहाँ पर जो हरी इलायची होती है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कूट के, और इनको एक अच्छा उबाल आने तक इस तरीके से मैं पका लूँगी। तो ये जो हमारी चाशनी है बनकर तैयार है। अब चाशनी को हम रख देंगे साइड पर, और इसी गैस के ऊपर हम एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उतना ही डबल करके मैंने दूध लिया है। यहाँ पर 2 कटोरी मैंने दूध ले लिया है। इसके अंदर 2 चम्मच चीनी ऐड करी है और 1 चम्मच घी का ऐड कर रही हूँ। अच्छे से उबाल आने तक इसको चलाते हुए पका लेंगे। 4 से 5 हरी इलायची को छिलका हटाकर मैंने कूट लिया है, और वो जो पाउडर है उसको भी ऐड कर देंगे इस दूध के अंदर, जिससे कि हमारे जो गुलाब जामुन है उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। मिक्स कर लेंगे एक बार इस तरीके से। अब मैं लूँगी एक मिक्सी का जार, यहाँ पर इसके अंदर ऐड करूँगी सूजी, क्योंकि मैंने जो सूजी ली थी वो थोड़ी मोटे वाली सूजी थी, तो इसको हम पीस लेंगे। सूजी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि सूजी और मिल्क पाउडर बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसको हम लगभग 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए एक बार पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा इनका फाइन पाउडर बन चुका है। अब हमने जो दूध यहाँ पर गर्म होने के लिए रखा था उसके अंदर इस पाउडर को थोड़ा थोड़ा करते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसके कोई लम्स ना बने। अब इसको हमने लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पका लेना है, जिससे एक इसका सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी और मिल्क पाउडर बिल्कुल से डो फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद, और इसको इसी तरीके से चलाते हुए मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट के अंदर, और इसको हाथ से मसल मसल कर और सॉफ्ट कर लूँगी। साथ ही साथ इसके ऊपर ऐड करूँगी 2 चम्मच मैदा के, जिससे कि हमारा जो डो है उसको एक परफेक्ट बाइंडिंग मिलेगी। अच्छे तरीके से इसको मसल मसल कर मैदा को हमारा जो डो है उसके साथ सेट कर लूँगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पर इसको इस तरीके से बहुत परफेक्ट तरीके से मैंने सेट कर लिया है हाथ से। मैदा इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। अब इसके बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े इस तरीके से हाथ से तोड़ेंगे और एकदम गोल गोल गुलाब जामुन की इसको शेप दे देंगे। अब जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि ये क्रैक दिख रहा है, इस तरीके से कोई क्रैक हमारे गुलाब जामुन के अंदर दिखने नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो फट सकते हैं। बचे हुए डो से हम अपने बाकी के गुलाब जामुन को शेप करके रख लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, इसी तरीके से हमने अपने बाकी के सभी गुलाब जामुन को शेप कर रख लेना है। अब मैंने गैस पर कुकिंग ऑयल को रख दिया था गर्म होने के लिए। तो जब हमारा कुकिंग ऑयल बिल्कुल मीडियम हीट का गर्म हो चुका होगा, उसके अंदर हम एक एक करके अपने जो सभी गुलाब जामुन हमने शेप कर रखे हैं उनको ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने एक गुलाब जामुन ऐड किया, साइड में हल्के हल्के बबल्स होने लगे। बस इसी तरीके का हीट का हमने जो ऑयल है उसको गर्म करना है। मैंने यहाँ पर गुलाब जामुन को 2 बैचेस में फ्राई किया है, जिससे कि मेरे जो गुलाब जामुन है बहुत जल्दी और बहुत इजीली फ्राई होकर तैयार हो गए। तो जैसे ही मैंने गुलाब जामुन इसके अंदर डाले, उसके बाद उसको 1-1.5 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ा है, और फिर बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल डेलिकेट हैंड से इसको हम जो हमारा पलटा है उसको इस तरीके से चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़्यादा इसको मतलब जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो हमारे गुलाब जामुन है वो फट भी सकते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम इस तरीके से पलटते हुए इनको पहले सेक लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे।
लगभग 5 से 7 मिनट का समय हमें लगेगा अपने गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए, जिससे कि हमारे जो गुलाब जामुन है वो अंदर तक भी अच्छे से पक जाएंगे और उनके ऊपर एक बढ़िया परफेक्ट जो गोल्डन कलर आता है गुलाब जामुन का, थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा वो कलर आ चुका होगा। ये देखे फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारे जो गुलाब जामुन है उनका कलर आ चुका है। अगर आपको इसका कलर बहुत डार्क चाहिए तो आप इनको यहाँ पर थोड़ी देर और पकाएंगे, लेकिन मुझे इनका बिल्कुल यही कलर चाहिए तो मैं यहाँ पर इनको निकाल ले रही हूँ चाशनी के अंदर। एकदम गर्म गुलाब जामुन को हम अपनी चाशनी के अंदर इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। इसी तरीके से मैं सेकेंड बैच को भी फ्राई कर लूँगी और वो भी इसी चाशनी के अंदर डाल दूंगी। अब इसको छोड़ दूंगी लगभग 6 से 7 घंटे के लिए इस चाशनी के अंदर, जिससे कि जो हमारे गुलाब जामुन है काफ़ी अच्छे से रस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। मैं आपको एक गुलाब जामुन इस तरीके से हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ। बना है ना कितना सॉफ्ट और अंदर तक बिल्कुल इसके रस आ चुके हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप घर पर ही बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में पहले बनाकर ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप बना पाएँ तो आप दोबारा से इसको ज़रूर से घर पर जब मन करे बनाकर खा सकते हैं। तो थी ना कितनी आसान से गुलाब जामुन की रेसिपी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा बुरा कैसा भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक और टेस्टी रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।